देश में बारिश शुरू होने के साथ ही आंखों की दिक्कतें भी आम आदमियों में बढ़ने लगी हैं। क्या प्रॉब्लम्स आंखों में आ रही हैं और क्यों हो रही हैं प्रॉब्लम, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ में इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय की वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी। मैम, ये खास तौर पर आंखों की दिक्कतें हो रही हैं और आई फ्लू कहा जा रहा है, आई फ्लू है, क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जैसे कि सबसे पहले आपने बोला कि बारिश की दिक्कत हो रही है। बारिश में क्या होता है कि हमें पता होता है कि नॉर्मल मिट्टी में जो कीटाणु होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ एयरबॉर्न ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनको कहते हैं, हम आपकी आम भाषा में बोलेंगे तो कीटाणु ही बोलेंगे, तो वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इस समय जैसे साफ़ सफाई का अगर उचित तरीके से ध्यान नहीं दिया जाए तो ये ऑर्गेनिज़म नॉर्मली अगर एक्टिव होते हैं तो भी क्या होता है कि हम साफ़ सफाई का ध्यान दे रहे होते हैं तो ये बॉडी को या आँखों को अटैक करके भी इनका कहते हैं सिम्टम नहीं आता, लक्षण नहीं आते। पर अभी क्या है कि जैसे ये आए आंखों में, इन्होंने किसी भी तरीके का ज़रा सा भी इन्फेक्शन किया तो ऑलरेडी हमारा हाइजीन अगर ज़रा सा भी, जैसे जो मैं साफ़ सफाई बार बार जोर दे रही हूँ, अगर साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देंगे तो ये जो इनके लक्षण हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आंखें चिपक जा रही हैं, आंखें लाल हो जा रही हैं, पानी आ रहा है, खुजली हो रही है, ये सारे इसी फ्लू आई या कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस या मद्रास आई बोलते हैं इसको, आप जिस भी भाषा में बोलिए ये अलग अलग नाम से एक ही बीमारी होती है। ये कब तक रहता है और इसका आंखों पर क्या कितना भयानक असर हो सकता है, और दूसरा कि कितनी तेजी से फैलता है संक्रमण? सबसे बड़ी बात ये, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, समयुक्त तो एकदम ही सही सवाल है कि कैसे फैलता है। अगर घर में कोई भी व्यक्ति इससे संक्रमित है, जैसे कहते हैं ना आम भाषा में छूत की बीमारी, ये छूत की बीमारी है। अगर मान लीजिए कि जिस भी व्यक्ति संक्रमित है परिवार में, उसका तौलिया तकिया नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वो मान लीजिए कि जो भी चीज़ें वो उपयोग में ला रहे हैं उनको थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए जिस तरफ बिस्तर के सोते हैं या जैसे जिस उनकी आँखों में जब दवाई डाली जा रही है तो जो व्यक्ति दवा डाल रहा है उनकी आँख में, वो दवा डालने के पहले भी हाथ धुले और दवा डालने के बाद भी हाथ धुले। किसी भी स्थिति में उनकी आँख को छूने के बाद या उनके कपड़ों को जैसे तकिया वगैरह धोने के बाद अपनी आँखों में वो हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, इसका एक कहते हैं कि पूरा एक प्लाटू फेज होता है, जैसे पहले ये आगे बीमारी चलती है ऊपर की ओर बढ़ती है, फिर एक प्लाटू पे आएगी और फिर नीचे चली जाएगी। जैसे कोर्स होता है किसी भी बीमारी का, वायरल फीवर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसी तरीके से शुरू में एक दो दिन के लिए बढ़ती है। अगर आपने उसी समय अपने डॉक्टर से संपर्क कर लिया और दवाइयाँ डाल ली, अमूमन हम इसके लिए एंटीबायोटिक नामक दवा देते हैं जो अलग अलग नामों से आती है, तो एंटीबायोटिक अगर आपने डाल लिया तो आराम से 3-4 दिन के भीतर भीतर आपको आराम मिल जाएगा और ये बहुत ऊँचाई तक जाने ही नहीं पाएगी क्योंकि आपने बढ़ने के पहले ही रोकथाम की व्यवस्था कर ली है। कितनी ये खतरनाक बीमारी है आँखों के लिए, जो इस समय आई फ्लू हो रहा है लोगों को, ये कितना खतरनाक, कितने स्तर तक ये जा सकता है? देखिए, इसमें अगर हम सही समय पे ध्यान नहीं देंगे तो सबसे पहले तो ये बैक्टीरियल होता है, मतलब ऑर्गेनिजम्स जिनसे हम बता रहे कीटाणु से, अगर और नहीं ध्यान दिया गया और मान लीजिए इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है या मान लीजिए अगर इसमें वायरल कंपोनेंट आ जाता है, तो अगर इसने पुतली को डैमेज करना शुरू कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाता है, क्योंकि पुतली पे अगर कोई भी निशान, पुतली हमारे आँख की सबसे पारदर्शी संरचना है जिससे आँख की किरणें सबसे पहले आपकी आँख के अंदर जाती हैं और आप देखते हैं प्रतिबिंब बनने से, अगर पुतली से ही किरणें जाना कम हो जाएंगी किसी भी कारण से तो अपने आप रोशनी गिर जाती है। तो इसलिए आपको, इसलिए हम सब लोग अनुरोध कर रहे हैं कि जिसको भी यह तकलीफ हो अपने आप ओवर द काउंटर दवा की दुकान पर दवा न लीजिए, अपने नेत्र चिकित्सक के पास जा करके इसका अपने आप को एग्जामिन करवाइए। अगर उन्हें ज़रूरी लगता है तो वो आपकी पुतली को बचाने के लिए भी दवा इस्तेमाल करेंगे, अगर पुतली का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, जो कि ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है सही समय पर अगर आपने उसका रोकथाम कर लिया, और नहीं तो अगर उन्हें लगता है कि कोई पुतली का शुरुआत का भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको दवाइयों द्वारा आराम से उससे निजात पाई जा सकती है। मैम, कहा जा रहा है कि ये मोबाइल से या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से भी फैल रहा है, इसमें क्या सच्चाई है क्या? नहीं, देखिए, फिर मैंने वही बोला, अगर जो संक्रमित व्यक्ति है उसने लैपटॉप के कीबोर्ड को इस्तेमाल किया है या उनके मोबाइल को आप अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बात वही आ गई कि आपने उनकी वस्तुएं छुई, उनका सामान छुआ और फिर अपने आप, टेंडेंसी हमारी क्या है कि कुछ भी छुआ थोड़ी देर में हम आँख में ऐसे हाथ लगा लेते हैं, तो हम वो संक्रमण हमने उस कीपैड से उठाया या मोबाइल से उठाया और अपनी आँख में लगा लिया, तो हमने वहाँ से ऑर्गेनिज्म लेकर के अपनी आँख में लगा लिया ना, तो वो है। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप या मोबाइल के यूज़ से, संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई किसी भी वस्तु के इस्तेमाल से ये बढ़ता है। धन्यवाद।
आप थे वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी लखनऊ में इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय से। उन्होंने आई फ्लू को लेकर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि खास तौर पर ये एक ऐसी बीमारी है जो छुआछूत की बीमारी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को अगर वो नज़दीक आता है, छूता है, तो उसमें फैल सकती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।